Student, how are you? I hope you are fine and welcome to the Course Study Official channel on YouTube. तो आज का जो सेशन है वो बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है और उन सभी बच्चों के लिए जो MST CET का कैप राउंड भर रहे हैं या फिर जो भरने वाले हैं या फिर जो अभी आगे भरेंगे सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज आपको देखने के लिए मिलेगा कि डाउट सेशन जो पोस्टर के लेकर के बहुत डाउट है कैप राउंड के भरते वक्त आज हम उसे सब कुछ डिस्कशन करने वाले हैं और इसके साथ तड़का लगाते हुए कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको ध्यान रखने हैं ड्यूरिंग द कैप राउंड प्रोसेस, जो आप भर चुके हैं या फिर भरने के बाद या फिर जो भी आप कर चुके हैं, आप भी भर भी चुके हैं तो भी कोई बात नहीं, आप भर रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, आपको ये इंपॉर्टेंट बातें ध्यान में रखनी है स्टूडेंट। और तो इसी के साथ हम आज अपना ये सेशन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहली बात, अगर आप अपने चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, हिट द बेल आइकन, वीडियो विच इज अपलोडिंग ऑन यूट्यूब विल गेट यू नोटिफाई, एंड थर्ड फटाफट स्टूडेंट शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चौथी बात वीडियो को पूरा देखना, ज्यादातर 10 से 15 मिनट में ही लेक्चर पूरा का कंप्लीट हो जाएगा और आपको पूरी जानकारी यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी स्टूडेंट। तो चलिए अपने वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, क्योंकि अगर आपको जो सबसे पहला ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे देखिए मिल रहा है सम इररिलेवेंट कन्फ्यूजन रोमिंग अराउंड द स्टूडेंट। तो मुझे पर्सनली आप बोल सकते हैं टेलीग्राम पे सब लोग DM करके एंड फोन करके पूछ रहे हैं कि सर क्या कुछ ऐसा होने वाला है या फिर जो कुछ ऐसा है जो उनके अराउंड जो अफवाहें घूम रही है स्टूडेंट को लेकर के MST CET कैप राउंड को लेकर के कैप राउंड प्रोसेस को लेकर के आप जो भी डाउट है उनका, ओके स्टूडेंट जो हमें डाउट पे डाउट भेज रहे हैं और उनका रिजॉल्व कर रहे हैं, बट ये बड़ा हेक्टिक का काम हो जा रहा है क्योंकि हर एक स्टूडेंट का डाउट हालांकि लगभग लगभग सेम हो रहा है बट हर एक स्टूडेंट का डाउट एट अ सिंगल टाइम में सॉल्व नहीं कर सकता। सो प्लीज़ मैं यहाँ पे क्या कर दिया हूँ कि वीडियो बना दिया हूँ ताकि जो भी जिसको भी डाउट लग रहा है वो यहाँ पे आके अपना क्लियर कर सकता है। सो पहला जो था मैंने जो मुझसे बहुत ज़्यादा डाउट पूछा गया, ओके स्टूडेंट सबसे पहला था सम इररिलेवेंट कन्फ्यूजन रोमिंग अराउंड स्टूडेंट। क्यों मैंने उसे इररिलेवेंट बोला है, देखिए सबसे पहला जो मेरे पास डाउट आया है, ओके स्टूडेंट सबसे पहला जो मेरे पास डाउट आया है वो आपको यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगा कि CET और JEE लेवल ओनली वन ऑफ देम विल बी कंसिडर्ड ड्यूरिंग द कैप राउंड। हालांकि ये कितनी बार मुझसे पूछा गया है, क्यों देखिए स्टूडेंट कन्फ्यूज में है जिन्होंने ऑल इंडिया, ओके ऑल इंडिया मतलब JEE के थ्रू अपना भी फॉर्म दिया था, ओके एंड MST CET जो कैप राउंड के लिए इस बार एलिजिबल है, दोनों ही इन्होंने फॉर्म भी भरा हुआ था और हम लोग बोल सकते हैं इन्होंने का क्या डाउट है, इन्होंने हमसे ये पूछा है कि क्या सर दोनों में से कोई एक ही कंसिडर किया जाएगा कि जिसमें मेरा मार्क्स ज़्यादा रहेगा वो कंसिडर किया जाएगा। देखिए ये ऐसा नहीं होता है, आपका वो देखा जाता है कि आप किस बोल सकते हैं किस रूम में अलॉटमेंट में जाके आप ले रहे हैं, CET के थ्रू ले रहे हैं या फिर JEE के थ्रू, आपको जिसके थ्रू भी लग जाता है, ओके स्टूडेंट ध्यान में रहना आपके जिसके भी थ्रू लग जाता है। हालांकि जो CET सेल रहता है वो आपका बोल सकते हैं कि ऑल इंडिया कोटा भी आपको भरना पड़ेगा, ऑप्शन फॉर्म में आपको देखने के लिए मिल जाएगा एंड आपको CET कोटा भी भरना पड़ेगा, जिसमें भी आपको लग जाएगा वो आपको शो कर देगा इन योर डैशबोर्ड, ओके लॉगिन वाले डैशबोर्ड पे आपको दिख जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला हुआ है एंड थ्रू विच प्रोसेस, आपको JEE के थ्रू प्रोसेस मिला हुआ या फिर CET के थ्रू प्रोसेस मिला हुआ है तो वहाँ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो CET और JEE ओनली वन ऑफ देम विल बी कंसिडर्ड ड्यूरिंग द कैप राउंड प्रोसेस, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट डाउट जो मुझे हालांकि बहुत बार पूछा गया था स्टूडेंट के अलावा स्टूडेंट ने पूछा गया था, जो कि बहुत सारा रिलेवेंट या इररिलेवेंट मैं मान रहा हूँ, क्योंकि ये जो अफवाहें आपके आगे पीछे दौड़ रही हैं ये पूरी की पूरी गलत हैं। तो ये हो गई पहली, अब हम चर्चा करते हैं दूसरी की तरफ। देखिए दूसरी में सबसे पहले क्या मुझे 7th डेट को ही 7 तारीख को ये मुझे किसी ने पिन करके कहा कि सर जल्दी फॉर्म भरेंगे तो क्या सबसे पहला कंसिडर हमारा होगा, सबसे पहला हमारा कैप राउंड निकलने के चांसेस है। देखिए आप एकदम शांति से एकदम ध्यान से भरिएगा पेपर कैप राउंड, क्यों क्योंकि आप जल्दीबाजी में हो सकता है कि कुछ ना कुछ गलत कर जाएं। सो प्लीज़ आप अपना पहले फॉर्म ध्यान से भरिए, क्यों क्योंकि 7 से लेकर के 9 तारीख, ओके स्टूडेंट आज है 8 जनवरी, तो मतलब आपके पास अभी कल का पूरा चांसेस है, कल का पूरा दिन है आपके लिए भरने के लिए। सो प्लीज़ जल्दीबाजी में मत करिए, और ऐसा कभी नहीं हुआ कि जल्दी फॉर्म भरने वाले का सबसे पहला कंसिडर कर लिया गया, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि वहाँ बैठने वाला इंसान नहीं कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर आपका देखेगा परसेंटाइल, आपको जो सेट किया होगा वहाँ पे मार्क्स जो सेट किया होगा आपके हिसाब से, जो कॉलेजेस का कट ऑफ जा रहा है सब कुछ कंप्यूटर चेक करता है, यहाँ पर इंसानों का कोई काम नहीं। जब कोई आपका डाउट होता है तब इंसान वहाँ बैठते हैं और आपका डाउट रिजॉल्व करते हैं एज द CET सेल ऑफिसर, ओके तो वहाँ पर वो डाउट सॉल्व करते हैं। लेकिन जल्दी फॉर्म भरने से आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ हिस्ट्री में कि आपको जल्दी कंसिडर कर लिया जाएगा या फिर आपका जल्दी बोल सकते हैं कि जो मेरिट रैंक, ओके जो आपको कॉलेजेस मिला हुआ है वो आप आ जाएगा या फिर जल्दी कंसीडर करके आपको दे दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सो आराम से भरिए, कोई जल्दीबाजी मत करिए भाई, आपके पास पूरा दिन, अगर आपने लिस्ट नहीं बनाया तो प्लीज़ मेक अ लिस्ट एंड देन आप प्रोसीड करिएगा। तो ये हो गई दूसरी बातें जो
मुझसे ज़्यादातर बच्चों ने पूछी गई थी, बच्चों द्वारा पूछी गई थी। एंड हम चलते हैं थर्ड बातों पर। थर्ड चर्चा में क्या आ रहा था कि किसी एक कैटेगरी से सीट मिलेगी। हालांकि ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, और ये मैं इररिलेवेंट भले से लिख दिया हूँ लेकिन इररिलेवेंट से ज़्यादा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बन रहा है। अराउंड द स्टूडेंट क्यों बन रहा है, देखिए बच्चे क्या कर रहे हैं इस समय, एमएसटी सीटी का कैप राउंड भर रहे हैं बट वो अपना कैटेगरी के साथ भर रहे हैं। तो ये आप उन लोगों के लिए बहुत जरूर हो जाता है जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि मैं ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना दिया हूँ कि आपको कैसे एडमिशन मिलने वाला है कॉलेजेस को लेकर के, अगर आप TFWS से बिलोंग करते हैं या फिर आप कोई कैटेगरी को लेकर के बिलोंग करते हैं, OBC, SC, ST, NT, ओके जिससे भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो ऑलरेडी मैंने उसका वीडियो बनाया हुआ है स्टूडेंट, प्लीज़ जाइए देख लीजिएगा। और उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आपको वहाँ से मिल जाएगा कि आपको कौन सा किस हिसाब से आपको सीट मिलने वाला है। हालांकि मैं उसका एक बार ब्रीफ समरी यहाँ पे बता देता हूँ कि पहले अगर आप ऊपर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको ओपन वे मिलने वाला है। ओके स्टूडेंट अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओके स्टूडेंट ये ध्यान रखना कि अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना है, वो लोग आपका स्टेट रैंक जनरल चेक करेंगे कि आप स्टेट रैंक जनरल के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। इफ़ यू आर एलिजिबल फॉर द स्टेट जनरल रैंक तो आपको सीट दे दी जाएगी, एंड इफ़ यू आर नॉट एलिजिबल देन दे विल मूव टू योर कैटेगरी। ओके तो किसी एक कैटेगरी में सीट मिलना ऐसा कुछ नहीं है, आपका जिसमें जो भी सीटी सेल देखेगा कि आपको किस बोल सकते हैं स्टेट में या फिर किस आपको बोल सकते हैं कि ओपन में मिला या फिर ओपन में ना मिले कैटेगरी मिला, तो वो आप देखेंगे। तो कैटेगरी वाले के बस एक ही कैटेगरी सीट मिलेगी ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले आपका ओपन मेरिट रैंक चेक करेंगे, उसके बाद आपका कैटेगरी लगेगा। अगर आपको ओपन मेरिट रैंक में ही लग गया है तो गुड एंड बेस्ट, फिर उसके बाद अगर नहीं लगा तब आपको वो कैटेगरी में जाते हैं। सबसे पहले आपको ओपन में, क्योंकि कैटेगरी में सीट कम होती है इन कंपैरिजन विद द ओपन में। कैटेगरी में तीन तीन चार चार सीटों के लिए बोल सकते हैं लड़ाई होती रहती है, लेकिन ओपन वाले के लिए पूरे के पूरे 11 सीट रहते हैं, तो ओपन में सब लड़ते हैं। ओके स्टूडेंट ये हो गई तीसरी बातें जो ज़्यादातर चर्चा में इस समय चल रही है। अब हम चलते हैं चौथी बातें पर। चौथा ये है कि अकॉर्डिंग टू योर मेरिट रैंक द रैंक विल बी डिस्प्लेज ऑन द इंटरफेस जॉब। ये एक दो चार बच्चों ने मुझसे पूछा कि सर हमारा मेरिट रैंक कितना है तो क्या जब हम फॉर्म भरेंगे, हालांकि जब फॉर्म भरेंगे क्या मुझे मेरे मेरिट रैंक के हिसाब से मुझे अपना डायरेक्ट कॉलेज मिल जाएगा, ये सरासर आपको झूठ है। आपको कहीं भी ऐसा अगर देखने के लिए मिल रहा है तो प्लीज़ उससे ना फॉलो करें, क्योंकि आपके अगर मेरिट रैंक से मिलता तो फिर आपको प्रिफरेंस लेवल नहीं दिया जाता, सेल सीटी आपको प्रिफरेंस लेवल नहीं देती। अकॉर्डिंग टू योर मेरिट रैंक द कॉलेज विल बी डिस्प्लेस ऑन द इंटरफेस, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपको ये कहना चाहिए कि आपका कोई भी रैंक हो, आपका कोई भी मेरिट मार्क्स हो, कोई भी आपका स्टेट लेवल जनरल मेरिट हो, कुछ भी हो, आप जब कॉलेज को चूज़ करने जाएंगे स्टूडेंट तो आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि अगर आप ऑल सिलेक्ट करते हैं कॉलेजेस में लेकर के ऑल सिलेक्ट करते हैं तो आपको जितने भी महाराष्ट्र में कॉलेजेस हैं सब वो देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये आपको सरासर झूठ है कि आपके मेरिट रैंक के हिसाब से कॉलेजेस देखने के लिए मिलेंगे ऑन द डैशबोर्ड। आइए कुछ नहीं होने वाला है, डैशबोर्ड और इंटरफेस पे जो आपको कॉलेजेस देखने के लिए मिलेंगे, अगर आप ऑल सिलेक्ट करते हो तो सब देखने के लिए मिलेंगे। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सिलेक्ट द कॉलेज अकॉर्डिंग टू योर मेरिट रैंक एंड लिस्ट। मैं ये प्रेफर करूंगा कि स्टूडेंट का जितना रैंक आया उस हिसाब से अपने कॉलेज को प्रेफरेंस दें। सब कॉलेज भरे ये जरूरी नहीं है, और एक भी कॉलेज ना भरे ये भी जरूरी नहीं है। तो मिनिमम कॉलेज 1 है और 300 तक मैक्सिमम भर सकते हैं, तो उन्हीं के बीच में आप भरिएगा ताकि आपको कॉलेजेस मिलने के पूरे चांस बन जाए। ऐसा भी मत कॉलेज भरिए कि आपको मिलने के चांसेस नहीं है फिर भी आप भरे चले जा रहे, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और ऐसा भी कॉलेज मत भरिए कि जिसमें आपको पक्का मिलने के चांसेस है तो उसे सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस में डाल देंगे ताकि आपको वो फट से मिल जाए, ऐसा भी मत भरिएगा। क्योंकि 90% वाले बच्चे स्टूडेंट जो है वो बोल सकते हैं कि 100% या फिर 90% 99% के ऊपर वाले नहीं है। ओके तो आप बात ध्यान में रखना, अकॉर्डिंग टू योर मेरिट रैंक ये वाला सरासर झूठ है। ओके तो अपने हिसाब से आप अपने कॉलेजेस को चूज कर सकते हैं। तो मैं ये राय दूंगा कि अपने मेरिट रैंक, आपका जितना मेरिट रैंक आया, जितना मेरिट लिस्ट में आपको मार्क्स मिला हुआ है, एमएसटी सीटी का परसेंटाइल मिला हुआ है, आपने अगर लास्ट ईयर कॉलेजेस को कंपेयर किए हुए हैं तो आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा कि आपका किस कॉलेज में लगने के चांसेस बन जाते हैं। तो जिस कॉलेज में आपका लगने के चांसेस बन जाते हैं सो मैं प्रीफर करूंगा उस कॉलेजेस को आप लिस्ट में प्रेफरेंस हिसाब से देना स्टार्ट करिएगा, क्योंकि प्रेफरेंस यहाँ पे कंसिडर किया जाता है सीटी सेल में और बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आपको कौन से प्रेफरेंस का कॉलेजेस मिल रहे हैं या फिर किसके मिलने के चांसेस बन रहे हैं। ओके स्टूडेंट तो ये हो गया कुछ कन्फ्यूजिंग रिलेवेंट आप बोल सकते हैं आइडियाज़ हैं जो सभी विद्यार्थियों के आगे पीछे घूम रहे हैं, कन्फ्यूजन एक बन गया है स्टूडेंट को लेकर के। तो मैं यहाँ पे जो चार पांच जो बहुत इंपॉर्टेंट थे मैंने उसे डिस्कस कर लिया, हालांकि और भी जो हैं वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ स्टूडेंट्स। अगर आपको लगता है और कोई डाउट है तो प्लीज़ राइट इट ऑन दी कमेंट बॉक्स। तो स्टूडेंट अब हम चलते हैं आगे की तरफ।
आगे की तरफ आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि इंपॉर्टेंस ऑफ ऑप्शन फॉर्म ऑफ द कैप राउंड। ये मैं किस टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ कि जो भी स्टूडेंट को अभी हल्के में ले रहे हैं कैप राउंड को, तो मैं उनके लिए लेके आया हूँ, क्योंकि जो कैप राउंड होने वाला है ये बड़ा ही आपके जीवन में इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि अब तक मैं जो 2 साल अपने काम किए हैं MST CET को लेकर के, पढ़ाई जो की है उसके ऊपर पूरा का पूरा डिपेंड होता है कैप राउंड। तो कैप राउंड में देखिए, जो आपने MST CET का फॉर्म भर के कैप राउंड में आपने दाखिला जो करवाया है उसको लेकर के मैं आपसे 3 बातें डिस्कस करने वाला हूँ। ओके, उसको लेकर के मैं आपसे 3 बातें डिस्कस करने वाला हूँ और तीनों बातें आपके डैशबोर्ड पर, आपके स्क्रीन पर दिख रही होंगी। तो सबसे पहला बात है, योर होल सोल कैरियर डिपेंड्स ऑन दिस फॉर्म। अगर आपने एक भी गलती कर दी यहाँ पर, आपका करियर खराब होने के पूरे चांसेस बन जाते हैं। सो प्लीज़ ऐसा कुछ मत करिएगा ताकि आपका कैप राउंड खराब चला जाए या फिर आप जो चाहते हैं वो आपको ना मिल पाए। ओके स्टूडेंट, अब सेकंड पे चलते, देखिए, अ लिटिल मिस्टेक विल डिस्ट्रॉय योर ड्रीम इन 1 सेकंड। हालांकि 1 सेकंड भी बहुत ज़्यादा हो गया, मिनी सेकंड अगर आपने कन्फर्म कर दिया स्टूडेंट, अगर आपने कन्फर्म कर दिया है और आपने कुछ गलत भर दिया कैप राउंड में, तब आपका कुछ नहीं हो सकता, कैप राउंड 1 की लिस्ट आ जाएगी, फिर आप कैप राउंड 2 के लिए बस एलिजिबल हो सकते हैं। अगर आपने फ्रीज किया हुआ है, तो मैं फिर से बता रहा हूँ, कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका पूरे के पूरे 2 साल खराब हो जाएंगे और जो आपको कॉलेजेस चाहिए था वो आपको कॉलेजेस नहीं मिल पाएंगे। तो ये आप चीज़ बड़ा ध्यान रखते हुए चलिएगा। पहला, द होल सोल करियर डिपेंड ऑन दिस फॉर्म, क्योंकि आप अपने करियर की शुरुआत करने जा रहे हैं, इंजीनियरिंग जो भी हो, फार्मेसी जो भी हो, जो भी आप तैयारी करने जा रहे हैं, जिस भी चीज़ की तैयारी करने जा रहे हैं, तो आप कैप राउंड के थ्रू भरने वाले हैं। और कैप राउंड थ्रू के भरने के बाद आपको एक एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा ताकि आपकी कोई भी गलती ना हो। एक भी छोटी सी गलती आपका पूरे का पूरे करियर बर्बाद कर सकती है। एंड थर्ड पॉइंट, अलॉटमेंट का आधार यह फॉर्म है। अलॉटमेंट मतलब कॉलेज जो आपको अलॉट होंगे, अगर आपने फॉर्म फिल किए हुए हैं तभी आपको कॉलेज अलॉट होगा, नहीं तो अगर इंस्टीट्यूशनल लेवल कोटा, या फिर अगर आप बोल सकते हैं जो फंड से, आप बोल सकते हैं जो जाते हैं, जो इंस्टीट्यूट लेवल से जाते हैं, उनको कैप राउंड नहीं भरना पड़ता, तो अलॉटमेंट भी उनका कॉलेजेस का नहीं होता। तो आप जो ले रहे हैं वो कैप राउंड के थ्रू ले रहे हैं, तो अलॉटमेंट ऑफ द कॉलेज द बेसिक लेवल जो महाराष्ट्र में होता है, तो आप कैप राउंड के थ्रू लेंगे, एंड दैट अलॉटमेंट इस फॉर्म के आधार पर होगा। ओके स्टूडेंट, अलॉटमेंट इस फॉर्म के आधार पर होगा। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट ऑफ द ऑप्शन फॉर्म ऑफ द कैप राउंड जो आपको जरूर मालूम होने चाहिए, और कैप राउंड भरने के पहले आपको ये जरूर पता होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो हमने ये भी डिस्कस कर लिया, अब हम चलते हैं आगे की तरफ। आगे की तरफ देखेंगे तो आपको देखने के लिए जरूर मिलता होगा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको ध्यान में रखने हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाते हैं। सबसे पहला आपको देखने के लिए स्क्रीन पर मिल रहा होगा इस समय, बिफोर फिलिंग द फॉर्म ऑप्शन फॉर्म यू नीड नो द फी ऑफ अ कॉलेज विच यू आर टेकिंग। ओके स्टूडेंट, आप इस समय महाराष्ट्र की स्टेट हैं और महाराष्ट्र की स्टेट के कॉलेजेस को आप जानते हैं, क्योंकि उन कॉलेजेस में अनएडेड कॉलेजेस भी हैं, एडेड कॉलेजेस भी हैं, गवर्नमेंट डीम्ड यूनिवर्सिटी, ओके, ऐसे आपको कॉलेजेस देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आपने कॉलेज के नाम पर ही उड़ना स्टार्ट कर दिया, या फिर आप सोच लिया कि नहीं मुझे कॉलेजेस यही लेना है, मुझे और कुछ नहीं चेक करना है, तो प्लीज़ आप ऐसा कुछ मत करिएगा, क्योंकि महाराष्ट्र के कॉलेजेस का अगर आप फी देखेंगे इन कंपेरिजन टू द और अदर स्टेट के कॉलेजेस का, तो महाराष्ट्र के स्टेट कॉलेजेस का हालांकि थोड़ा सा ऊपर लेवल बन जाता है। क्यों? और अगर आपने आपका बोल सकते हैं कि घर पर थोड़ी परेशानी है इसको लेकर के, स्टूडेंट फी को लेकर परेशानी है, तो प्लीज़ गो ऑन दी वेबसाइट, आप उनकी वेबसाइट पर जाइए जिस भी कॉलेजेस को आप चूज़ कर रहे हैं ड्यूरिंग द कैप राउंड फिलिंग। ओके, आप उस कॉलेज के वेबसाइट पर जाइए, चेक दी FV फर्स्ट ईयर, ओके, FY BE BTECH का फी चेक कर लीजिए, FY आपको देखने के लिए मिल जाएगा उनके डैशबोर्ड पर पे, एंड आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा उनका फी कितना है विदाउट TFWS एंड विद TFWS, आपको दोनों के, एंड स्टूडेंट अलॉन्ग विद TFWS ओपन वालों के लिए, एंड ओपन और TFWS वाले बोल सकते हैं, उनके अलावा भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी OBC SC ST जो भी कैटेगरी है। क्वेश्चन, अगर आपका कैटेगरी लग रहा है तो आप जो भी कैटेगरी से हैं उसका भी आपको फी स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल जाएगा। तो प्लीज़ चेक कर लेना फ़ी को कितना है, हो सकता है कि फाइनेंशियली आपका घर जो है, आपका जो होम टाउन आपको सपोर्ट ना करता हो फाइनेंशियली, तो प्लीज़ आप उसे देखना जरूर मत भूलिएगा, क्योंकि फ़ी अगर मालूम चल के ज़्यादा होगा, KJ सुमैया को ले लीजिए, KJ सुमैया आप बोल सकते हैं सायन वाला, एंड KJ सुमैया आप जो भी KJ सुमैया का बोल सकते हैं है कॉलेजेस नवी मुंबई सायन को लेकर के, तो उनमें कॉलेजेस की फ़ी TFWS को छोड़ करके, ओके स्टूडेंट, TFWS को अगर हम कंसिडर करते हैं कि सपोज अगर मैंने TFWS को कंसिडर किया हुआ है, तो मेरा बस सिर्फ ट्यूशन फ़ी हट जाएगा, उसके अलावा और भी जो फ़ी है मुझे लगेगा, तो KJ सुमैया का जो है और भी TFWS को अगर मैंने कंसिडर किया, ओके स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा, अगर मैंने TFWS को कंसिडर किया है मतलब ट्यूशन फ़ी मेरा 0% हो गया, उसके बाद भी अगर आप TFWS में ले रहे हैं तो KJ सुमैया में, तो आपका जो है यहाँ पर 1 लाख, ओके, 1 लाख से 1.5 लाख फीस अब भी लगेंगे पर साल का, मतलब हो गया 4 साल का,
बोल सकते हैं कि 4 लाख ऐसे हो गया और 2 लाख, 6 लाख, मतलब 6 लाख ऐसे ही आपको 4 साल में भरने पड़ेंगे। तो यहाँ पे फी इसका बहुत हाई हो जाता है। भले से रिप्यूटेड कॉलेज है बट अगर आपका फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्गर नहीं है, आपके परिवार वाले स्ट्रॉन्गर नहीं है, तो प्लीज़ चेक द फी रिसिप्ट एंड फी स्कोर ऑफ द कॉलेजेस विच इज प्लेस्ड ऑन द डैशबोर्ड। ओके, डैशबोर्ड और वेबसाइट पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा कॉलेजेस में, तो प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। अगर आप नॉर्मल कॉलेजेस की बात करते हैं, गवर्नमेंट के ले लीजिए या फिर अनएडेड ले लीजिए, सॉरी अनएडेड लीजिए, जिसका ज़्यादा बोल सकते हैं कि रेपुटेशन नहीं है लेकिन फिर भी है, काम चलाओ है या फिर आपको लगता है कि मेरा इसमें हो जाएगा, तो अगर आप उसमें देखेंगे 2DFWS कटा करके आपका आ जाता है कुछ 25 से 30 हज़ार से 40 हज़ार, ये आपका रिलेवेंट पड़ जाएगा ओकेजन। तो कुछ कॉलेजेस ऐसे जिनका TFWS में जोड़ने के बाद भी फी बहुत हाई जा रहा है, तो उन कॉलेजेस को आपका फी स्ट्रक्चर देखना चाहिए बिफोर गोइंग टू फिल इन दी कैप राउंड। ओके स्टूडेंट, ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात हो गई। अब हम चलते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट बात पर। दूसरी जो है, आफ्टर फिलिंग द ऑप्शन फॉर्म यू नीड टू कन्फर्म इट। स्टूडेंट क्या करते हैं बहुत सारे, कन्फर्म किए बिना आप बस सिर्फ प्रेफरेंस डाल देते हैं कॉलेजेस का। प्रेफरेंस कॉलेजेस डालने के बाद आप लॉग आउट करके चले जाते हैं, आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। अगर आप पहली बार भर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट जानने के लिए है कि फॉर्म कंप्लीट होने के बाद आपको कन्फर्म करना पड़ता है। अगर आप कन्फर्म करते हैं इसका मतलब ये होता है कि आपने जो भी प्रेफरेंसेस दिए हुए हैं वो अपने हिसाब से मेरिट रैंक के हिसाब से दिए, और आपने जो भी कुछ अभी तक आपने सीटी के लिए किया हुआ है जो कि कैप राउंड के लिए एलिजिबल है ओकेजन, तो आपको वो कन्फर्म इसलिए करवाते हैं कि आपने जो भी अभी तक किया हुआ है वो आप डीले सॉरी कंफर्म कर रहे हैं कि अब मेरा सब कुछ खत्म हो गया, यहाँ पर मेरा स्टॉप कर दीजिए। तो अगर आपने कंफर्म नहीं किया हुआ है इसका मतलब आपका फॉर्म जो है वो सबमिट नहीं हुआ है कैप राउंड के डैशबोर्ड पर या कैप राउंड की सोसाइटी पे, तो प्लीज़ कंफर्म इट। कंफर्म करेंगे उसके बाद आपको एक ईमेल आईडी दिखने के लिए आपको सॉरी ईमेल पर आपको एक मैसेज आ जाएगा ओके, जैसे कि मैंने हाल ही में आपको एक वीडियो बनाकर दिया होता लाइव डेमो कैसे हम फॉर्म फिल करते हैं ओके स्टूडेंट। अगर आपको अभी भी डाउट है तो उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको देखने के लिए मिल जाएगा। प्लीज़ अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लेना ओके स्टूडेंट। तो आपको कंफर्म करना है आफ्टर फिलिंग दी ऑप्शन फॉर्म, ये हो गई दूसरी बात है जो आपको बहुत ध्यान में रखनी है। बहुत सारे स्टूडेंट ऑप्शन फॉर्म को कन्फर्म किए बिना लॉग आउट कर देते हैं, तो आप ऐसी कोई भी गलती मत करना। अब हम चलते हैं तीसरे बात पर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, हालांकि इसको मैंने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है। तीसरी बात यह है कि योर फर्स्ट प्रेफरेंस ओके स्टूडेंट, ये आपको ध्यान देना है। योर फर्स्ट प्रेफरेंस कॉलेज मिला तो उससे आपको लेना ही पड़ेगा, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट विच कॉलेज यू आर गिविंग विद द फर्स्ट प्रेफरेंस। मैं ऐसा क्यों बोला हूँ कि सेल सीटी का आपने देखा है कि रूल्स कुछ आए हुए हैं, अगर आपने फर्स्ट प्रेफरेंस कॉलेज डाले और आपको फर्स्ट प्रेफरेंस का कॉलेज मिल गया, कोई भी ब्रांच हो कोई भी कॉलेजेस हो, फर्स्ट प्रेफरेंस मिल गया तो वो ऑटो फ्रीज हो जाता है। ऑटो फ्रीज का मतलब आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, एंड सेकेंड आप चूको फर्स्ट प्रेफरेंस जो जो कॉलेज आपको मिला उसी में आपको एडमिशन लेना है, वही ब्रांच लेना है जो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस में मिला है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट विच कॉलेज यू आर गोइंग टू दी फिल विद दी फर्स्ट प्रेफरेंस, तो आपको ये बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। हालांकि मैं बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा कहता हूँ कि जो आपको पहला आपको मालूम है कि फर्स्ट प्रेफरेंस, ऐसा कोई कॉलेज लीजिए जिसमें आपको मालूम है कि नहीं मिलने वाला है, पुट इट ऑन दी इट्स फर्स्ट प्रेफरेंस, ताकि आपको अगर कोई भी और प्रेफरेंस का कॉलेजेस मिलता है तो आप बेटरमेंट के लिए ओके स्टूडेंट, आप बेटरमेंट के लिए सेकेंड कैप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आपको ये बड़े ध्यान रखना है कि जो आप फर्स्ट प्रेफरेंस पे रख रहे हैं, आपको वो कॉलेज अगर अच्छा है रख रहे हैं, अगर आपको मिल जा रहा है तो कोई बात नहीं, और अगर आप जो आपके बोल सकते हैं कि नहीं लगने के चांसेस है ओके स्टूडेंट, या फिर आपको जो लगता है कि नहीं मुझे ऐसे कॉलेजेस नहीं लेना है और उससे आप फर्स्ट प्रेफरेंस में रख देते हैं और आपको मिल जाता है तो आपको उसे लेना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि फर्स्ट प्रेफरेंस उसी कॉलेजेस को रखिए जो आपको लग रहा है कि ये मुझे कॉलेजेस नहीं मिलने वाले हैं ओके, तो उसी या फिर आप COEP को रख दीजिए। अगर आप 98 या फिर सॉरी 99 परसेंटाइल के ऊपर नहीं है तो फर्स्ट प्रेफरेंस आप COEP को रख दीजिए, क्योंकि 99 तक आते आते उसका 99 स्टूडेंट आते तक उसका परसेंटाइल जो है मेरिट रैंक वहाँ पे क्लोज हो जाता है परसेंटाइल तक। तो अगर आप 99 तक तो उसे भी भर सकते हो, 99 पे नहीं है फिर भी आप उसे भर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप कौन सा फर्स्ट प्रेफरेंस पे कॉलेजेस भर रहे हैं और आपको कॉलेजेस मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो मैं ज़रूर बोलूँगा कि अगर आपको जो कॉलेजेस नहीं मिल रहे हैं उसके आप फर्स्ट प्रेफरेंस पे डाल दीजिए, ताकि अगर आपको और फर्स्ट प्रेफरेंस के अलावा मिलता है तो आप बेटरमेंट ओके और भी अच्छे के लिए आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं ओके स्टूडेंट। तो ये हो गई तीसरी बात है जो बहुत आपको ध्यान में रखनी है। अब हम चलते हैं आगे की तरफ, तो हमारा चौथा जो है आपको देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पे, हालांकि नंबरिंग थोड़ा सा रिक्वायर यहाँ पे गलत हो गया लेकिन फिर भी आप देखने के लिए मिल जाएगी। यदि आपको पहला ऑप्शन नहीं मिलता है तो आप बेटरमेंट के लिए जा सकते हैं, हालांकि ये सबको मालूम है लेकिन मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि आप बेटरमेंट के लिए जा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे इससे अच्छा कॉलेज मिल सकता है तब आप बेटरमेंट के लिए जाइए, और अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं सेटिस्फाई हूँ जो मुझे फर्स्ट राउंड के कटअप कैप में मिला हुआ है, तो प्लीज़ मैं बोलूँगा सीट असेप्टेंस की फ़ी दे दीजिए और अपना रिक्वायरमेंट की तरह से आप उसे ले सकते हैं कॉलेजेस को। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे ऑप्शन फॉर्म वापस से
ऑप्शन फॉर्म में जाके थोड़ी सी चेंजेस करके वापस से मुझे कैप राउंड टू में पार्टिसिपेट करना है, तो यू आर फ्री टू पार्टिसिपेट इन द कैप राउंड टू अनटिल अनलेस योर फर्स्ट प्रेफरेंस इज नॉट गिवन यू द कॉलेजेस। मतलब अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस का कॉलेज मिला हुआ है तो आपको नहीं पार्टिसिपेट करने के लिए दिया जाएगा, और अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस के अलावा मिला हुआ है तो आपको वो देखने के लिए मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट, आपको बेटरमेंट के लिए आपको कैप राउंड टू में जाने के लिए दिया जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो आपको देखिए आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट पॉइंट दिखता हुआ, यू विल बी अलाउडेड टू फिल मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम 300 कॉलेजेस। मतलब आपको मिनिमम एक कॉलेज भरना पड़ेगा और मैक्सिमम 300 कॉलेजेस तक आपको भरने पड़ेंगे। तो आप इसके बीच में कितने भी कॉलेजेस भर सकते हैं, बस इस बात का ध्यान रहे कि आप जो कॉलेजेस भर रहे हैं स्टूडेंट वो आपके मेरिट रैंक, ओके मेरिट रैंक और फिर मेरिट मार्क्स, मेरिट परसेंटाइल आपका जितना है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। हालांकि अगर आप बहुत सारे कॉलेजेस भर रहे हैं तो कोई बात गलत नहीं है, बट आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। सो प्लीज़ फिल अकॉर्डिंग टू योर मेरिट रैंक एंड मेरिट मार्क्स जो आपको सीएलसीटी ने दिखाया था, जो आपको सीएलसीटी द्वारा मिला हुआ है। ओके स्टूडेंट, तो ये हो गई आपकी चौथी बात है जो आपको बड़े ध्यान रखनी है, हालांकि पांचवी है बट नंबरिंग के हिसाब से। तो हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। आपको देखने के लिए मिल रहा है कि बी अवेयर ऑफ विच ब्रांच यू आर चूजिंग एंड देयर स्कोप इन देयर सोसाइटी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आप किस बोल सकते हैं ब्रांच में जा रहे हैं। इंजीनियरिंग तो सब करते हैं बट ब्रांच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको किस ब्रांच में जा रहे हैं और किस ब्रांच के फ्यूचर में होप दिख रहे हैं, स्कोप आपको दिख रहे हैं कि नहीं इसका कुछ होने वाला है। मान चला कि आप खराब से खराब इंजीनियरिंग के ब्रांचेस आप देख सकते हैं, आईआईटीज वालों का भी वहाँ पर प्लेसमेंट नहीं के बराबर है। तो प्लीज़ आप तो नॉर्मल कॉलेजेस में एंट्री कर रहे हैं, आईआईटीज में चले जाइए, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग ले लीजिए, ईएनटीसी ले लीजिए, ओके ईएक्सटी ले लीजिए, वहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे कि प्लेसमेंट रिकॉर्ड बहुत ख़राब है इन कंपेरिजन विद दी जो और भी फेमस है। ओके मैकेनिकल देख लीजिए, सिविल देख लीजिए, इलेक्ट्रिकल देख लीजिए, सीएस देख लीजिए, एक बड़ा ही फेमस है। तो ये चार पाँच ब्रांच जो कोर को लेकर के सीएस हो गया, आईटी हो गया, तो ये फेमस है। तो आपको तो ये मत सोचिएगा कि मैं आपकी चॉइस को यहाँ पे ठुकरा रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि नहीं आपका ईएनटीसी में बन रहा है, ईएक्सटीसी में बन रहा है, तो प्लीज़ आप वही लीजिए जो आपको अच्छा लग रहा है। मैं बस आपको ये अवेयर करना चाहता हूँ कि जो आप ब्रांच चूज़ कर रहे हैं उसमें आप ज़रूर देखिएगा कि फ्यूचर में कुछ होप है, स्कोप है इस ब्रांच को लेकर के, तभी आप चूज़ करिए। और आपको लग रहा है कि नहीं मुझे यही अच्छा लग रहा है, यही भले से मेरा ईएनटीसी है, भले से मेरा ईएक्सटीसी है, भले से ही मेरा कोई भी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ यू आर फ्री टू टेक दी ब्रांच अकॉर्डिंग टू योर रैंक वाइज जो भी आपको अच्छा लगता है। बस मुझे ये आपको बताना था कि आपको उससे सचेत रहना चाहिए कि फ्यूचर में आगे जाके क्या होने वाला है उस ब्रांच के साथ और आपके साथ जिन्होंने ब्रांच वो कंसिडर किया हुआ है। क्वेश्चन तो ये हो गई पांच बातें जो आपको बहुत ध्यान रखनी है, हालांकि सिक्स इंपॉर्टेंट थिंग्स थे जो आपको नंबरिंग के हिसाब से अगर देखें तो इन सब चीज़ों को मैंने बोल सकते हैं आपके लिए लेके आया हूँ। ओके तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। अब हम आगे चलते हैं, आगे जाते हुए तो देखते हैं कि और सब ओके और भी सर्च अपडेटेड के लिए और इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़ जाइए हमारे साथ विद द प्लेटफॉर्म ऑफ द कोस्ट स्टडी ऑफिशियल। आपको देखने के लिए मिल जाएगा हमारे लोगों के साथ यूट्यूब चैनल पर, और अगर आप गूगल पे भी सर्च करते हो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अलॉन्ग विद दिस, अगर आपने अभी तक हमारे लेक्चर को शेयर नहीं किया है किसी के साथ तो प्लीज़ शेयर कर देना, क्योंकि ऐसे ही डाउट आपके जैसे हैं वैसे बहुत सारे स्टूडेंट के होंगे, तो प्लीज़ शेयर कर देना, उनके डाउट क्लियर हो जाएंगे। अलॉन्ग विद दिस डाउट, अगर आपने उन बंदे को शेयर किया हुआ है, किसी बच्चे को शेयर किया हुआ है, अगर आपने मेरे कभी वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको वो बंदा जरूर शेयर करेगा, क्योंकि अगर आपने उसे शेयर किया हुआ है तो। और आगे बढ़ते हैं, अगर आपको ये लेक्चर वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लेना एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल सच दैट द वीडियो व्हिच इज अपलोडिंग ऑन द यूट्यूब विल गेट यू नोटिफाइड। तो स्टूडेंट इसी के साथ अब हम मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड यस, वन मोर थिंग दैट आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, द कोर्स स्टडी नाम से सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो स्टूडेंट चलिए अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक देखते रहिएगा हमारा चैनल द कोर्स स्टडी।